हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करेंगे जो कल से ही सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपने हाल ही में रश्मिका मंदाना के साथ जुड़े एक वीडियो के बारे में सुना होगा जो एक डीप इफेक्ट वीडियो के संबंध में है। इसके बारे में चर्चा हो रही है और लोगों की रिएक्शन से लगता है कि वे इस मुद्दे पर काफी सुस्ती कर रही हैं। आज हम आपको एक नए वीडियो के बारे में बताएंगे जिसमें रश्मिका मंदाना को पहली बार पब्लिक के सामने देखा गया है। वह रणबीर कपूर के साथ नजर आई, लेकिन इस बार वे काफी डरी सहमी सी दिख रही थीं। हाल ही में हुए एक वायरल वीडियो के बाद जिसमें रश्मिका का चेहरा डीप फेक वीडियो में था, वह पहली बार मीडिया के सामने आई है। वीडियो में उन्होंने दिखाया कि वे किस तरह से डरी हुई और लोगों से बचने की कोशिश कर रही थीं। रणबीर कपूर ने उन्हें कार में बिठाया और स्थानांतरित किया। रश्मिका का यह डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद से ही उनका चेहरा चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और लोग उनके साथ खड़े हैं। इस नए वीडियो में हमने रश्मिका को रणबीर कपूर के साथ देखा है जो टी सीरीज के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। रश्मिका काफी डरी हुई नजर आईं और रणबीर ने उनके साथ सहारा दिया। वीडियो के बारे में लोगों की रायें विभिन्न हैं, कुछ इसे सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी आ रही हैं। रश्मिका इस समय रणबीर कपूर के साथ आने वाली फिल्म एनिमल के बारे में चर्चा में है जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और लोगों को काफी पसंद आया है। इस फिल्म में रश्मिका रणबीर की गर्लफ्रेंड की भूमिका में नजर आने वाली है जो काफी रोमांटिक है। वीडियो के बाद रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को शेयर किया और कहा, मुझे इसे शेयर करते हुए वास्तव में काफी दुख हो रहा है। सच कहूं तो इस तरह की चीजें न केवल मेरे लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए बेहद डरावना है जो इस तकनीकी गलतफहमी के कारण नुकसान की चपेट में है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके खिलाफ उठने का सही समय है। तो दोस्तों, ये रहा नया अपडेट। आपको क्या लगता है इस विवादित मुद्दे पर? कृपया हमें नीचे अपनी रायें और विचार साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।